हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का माय लिटिल डायरीज में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स देखिए कितने स्वस्थ और कितने अच्छे एडेनियम के पौधे हैं और सभी हमने बीज से ही तैयार किए हैं। तो रेत में हमने बीज डाले थे, उसी में से इतने सारे पौधे निकले हैं और करीबन 1 से 2 महीने पहले हमने सभी प्लांट्स को ऐसे गमलों में रिपोर्ट कर दिए, मतलब कुछ गमलों में रिपोर्ट कर दिए हैं, कुछ ऐसे छोटे छोटे गमले कंटेनर में, इन सब में रिपोर्ट कर दिए हैं। तो इन सब प्लांट्स को हमने 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया है रेत में हमने बीज डाले थे, वही से ये प्लांट्स हुए हैं। लेकिन हमने इतने दिनों से रिपोर्ट किया ही नहीं था, रेत में ही थे, इतने सभी प्लांट्स रेत में ही थे साल भर से ज़्यादा। तो अच्छे हेल्दी तो थे लेकिन बढ़त नहीं हो रही थी, क्योंकि एक ही छोटे से गमले में हमने कम दो जो सीड पॉट होते हैं उसके जितने बीज थे पूरे डाल दिए थे, तो कम से कम 60-70 पौधे निकले थे। तो रेत में ही थे तो पोषक तत्वों की कमी थी, तो बढ़त नहीं हो रही थी, लेकिन प्लांट्स हेल्दी थे क्योंकि सभी प्लांट्स को हमने धूप में ही रखे थे और पानी बराबर देते थे। तो हमने करीबन 2 महीने पहले सभी प्लांट्स को हमने देखिए शिफ्ट कर दिया है, रिपोर्टिंग कर दिया है। तो इस तरह से प्लांटर दिया है, मिट्टी में लगाया है, तो सभी प्लांट्स देखिए कितने स्वस्थ हैं। तो ये एडेनियम तो ऐसे ही गर्मी को पसंद करने वाला प्लांट है, तो इसके लिए हमने पॉटिंग मिक्स ऐसे बनाई है। देखिए इस तरह से एकदम भुरभुरी और सॉफ्ट पॉटिंग मिक्स है, इसमें हमने करीबन 50% रेत डाला है और उसके बाद साधारण सी गार्डन सॉइल, उसमें थोड़ी सी नीम की खली डाली है और थोड़ा सा गोबर का खाद और ये जो है राक्षस का डाला, और उसमें छोटे छोटे ईंट के टुकड़े डाले और लकड़ी वाला कोयला होता है उसके टुकड़े, तो इन सब से हमने रिपोर्ट किया है और थोड़ा सा हमने इसमें बोन मिक्सचर डाला था। तो देखिए इस तरह से हमने सभी प्लांट्स को रिपोर्ट कर दिया और सभी प्लांट्स की बढ़त भी अच्छी हो रही है, बिल्कुल स्वस्थ और कितने अच्छे हैं। तो हमने गोबर का खाद डाला, आप चाहे तो उसमें वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं। तो एडेनियम के लिए वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल बेस्ट खाद है और बोन मिक्सचर, ये दो एडेनियम बहुत पसंद करते हैं इन दोनों को। तो देखिए अभी प्लांट्स कितने हेल्दी है और सभी पत्तियाँ कितनी अच्छी बिल्कुल हेल्दी सी है, चमकदार है। तो ऐसे चमकदार पत्तियाँ और एडेनियम प्लांट्स इस तरह से रहे, इसके लिए यह ज़रूरी है कि प्लांट्स को हमेशा धूप बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप बहुत ज़रूरी है। भले ही अभी गर्मी का सीज़न हो लेकिन इनको बिल्कुल धूप में रखें, अगर आप छांव में रखेंगे तो प्लांट बिल्कुल लैगी सा भी हो जाएगा और फंगल अटैक भी आ जाएगा, इसकी पत्तियाँ मुड़मुड़ सी जाएगी क्योंकि एडेनियम को धूप बहुत पसंद है। तो हमने देखिए इन सभी को धूप में ही रखा है और पानी ज़रूर दे एडेनियम में, अभी गर्मी का सीज़न है तो रोज़ ही पानी दे, क्योंकि मिट्टी तो बिल्कुल वेल ड्रेन और भुरभुरी अच्छी मिट्टी है, तो पानी की भी बहुत ज़रूरत है। तो रोज़ पानी दे प्लांट्स में और साथ ही साथ धूप में कम से कम 3 से 4 या 5 घंटे की धूप ज़रूर दे इस प्लांट को, तभी इन सब की पत्तियाँ इस तरह से अच्छी और चमकदार पत्ती रहेगी और प्लांट्स बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो हमने तो इस तरह से ही रखा है और देखिए सभी प्लांट्स कितने अच्छे से चल रहे हैं, एकदम हेल्दी से बहुत अच्छे से है। और इसके अलावा भी कुछ प्लांट जो कि हमने करीबन 2.5 महीने पहले दूसरे प्लांटर में शिफ्ट किए थे, वो इससे भी थोड़े बड़े साइज़ के हो गए और थोड़े हेल्दी भी हो गए हैं। तो सभी प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं, तो इन गर्मियों में इन सभी प्लांट्स अच्छे से चले, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बिल्कुल नेट के नीचे ना रखें, धूप कम से कम दिखाए, कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप और अधिक से अधिक 4 से 5 घंटे की धूप ज़रूरी है, सारा दिन की धूप ना दिखाए क्योंकि ये छोटे छोटे सीड प्लांट्स हैं, तो 4 से 5 घंटे की धूप ही काफ़ी है। तो बहुत अच्छे से चलेंगे और अगर ऐसा लगे कि इन सब प्लांट्स की पत्तियां मुड़ रही है तो बिल्कुल पत्तियों में फंगिसाइड पाउडर, मतलब 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर को घोल के उसका स्प्रे करें और मिट्टी में भी थोड़ा फंगिसाइड पाउडर दे, तो बिल्कुल इस तरह से लीव्स बहुत अच्छी होगी। अगर पत्तियाँ मुड़ने की प्रॉब्लम हो तो इस तरह से इन सब का निदान करें कि बिल्कुल फंगिसाइड पाउडर को पानी में घोलकर पत्तियों में स्प्रे करें और मिट्टी में भी दे और साथ ही साथ 3 से 4 घंटे की धूप में रखें। तो सभी छोटे छोटे पौधे जो कि बहुत अच्छे से होंगे और बड़े पौधे, चाहे ये छोटे पौधे और बड़े पौधे जो भी एडेनियम के पौधे हैं, सबको धूप में ज़रूर रखें, उनको ग्रीन नेट के नीचे बिल्कुल ना रखें तो प्लांट्स अच्छे होंगे। कि प्लांटर में देखिए हमने कितने सारे प्लांट्स लगाए हैं,
इधर देखिए, हमने करीबन 3 महीने पहले इधर लगाए होंगे, तो इनका साइज़ देखिए कितना अच्छा, और सभी प्लांट्स एकदम चमकदार, इसके लीव्स और बहुत हेल्दी है। देखिए फ्रेंड्स, उधर भी देखिए, ये हमने कटिंग से तैयार किया था ये एडेनियम, उसके साइड में भी हमने कुछ छोटे छोटे पौधे लगा दिए हैं, तो सभी बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे हैं और सभी की पत्तियाँ बिल्कुल चमकदार है। बस इसका यही राज है कि सभी प्लांट्स को हमने धूप में रखा है, रोज़ पानी देते हैं, तो धूप बहुत ज़रूरी है, चाहे गर्मी जितनी भी गर्मी हो, धूप ज़रूर दिखाए, धूप में रखे और साथ में पानी ज़रूर दे। ये वाला एडेनियम का प्लांट देखिए फ्रेंड, ये तो काफ़ी पुराना है, करीबन 10 साल पुराना है, तो देखिए कितने अच्छे से चल रहा है और इसके लीव्स कितनी अच्छी है, साथ ही साथ इन पौधों की भी। तो बस ये शेयर करना था कि चाहे छोटे पौधे हो, फिर भी उनको कम से कम 3 से 4 घंटे की धूप में रखें, और ग्रीन नेट के नीचे रखते हैं तो भी 4 से 5 घंटे की धूप, और बाकी समय ग्रीन नेट के नीचे रखें तो भी चलेगा, लेकिन 3 से 4 घंटे की धूप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कम से कम धूप में रखें। और पत्ती अगर कल होने की शिकायत हो तो फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें, और रोज़ पानी दें प्लांट्स को, क्योंकि वेल ड्रेन मिट्टी रहती है इसीलिए। तो ओके फ्रेंड्स, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, और आप हमारे नए फ्रेंड हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।